हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 6, जो कि बेस्ड है एसआईआर इफेक्ट पे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये कॉन्सेप्ट पे पूरा असाइनमेंट 6 और लेक्चर भी हम लोग का 6 इसी पे बेस्ड था। तो आई थिंक उसका इफेक्ट आपको पता होगा कि एसआईआर इफेक्ट कब काम करेगा। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस मींस रेजोनेंस में इनहिबिशन ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। तो आइए देखते हैं E1 में। तो इसमें क्या मेंशन किया है, द स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस में क्या मेंशन किया है, कंपेयर द एसआईआर इफेक्ट बिटवीन अर्थो क्लोरो बेंजोइक एसिड, अर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड एंड अर्थो आयडो बेंजोइक एसिड। सिंपल सा केस है कि आपको देखना क्या है इसमें कि COS, आपको याद है ना कि ये वी शेप्ड होना चाहिए और बल्कियर ग्रुप होना चाहिए, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। तो ये हो गया क्लोरो, सिमिलरली ब्रोमो, ठीक है। इसमें हम लोग को कंपेयर करना है कि किसमें अर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा। क्या बोला गया था कि अर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का अगर साइज बढ़ते जाएगा, इसका एसआईआर इफेक्ट भी बढ़ते जाएगा। तो आयोडीन का साइज बड़ा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन का बड़ा है क्लोरीन से। तो अभी इससे कैसे ये सिंपल सा ऑर्डर चला जाएगा, ठीक है। ये तो रहा पार्ट वन। पार्ट टू से देखें क्वेश्चन। तो पार्ट टू में E1 मेंशन किया हुआ है। क्या है E1? मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कैन बी एक्सपेक्टेड, तो जिसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। सर, जिसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। तो देखो आप यहाँ पे क्या कैसे है कि फर्स्ट वाला अगर स्ट्रक्चर आप देखते हो, फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखो तो यहाँ पे कोई भी अर्थो सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है, अर्थो सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस है कैसे इसमें हम लोग एसआईआर इफेक्ट नहीं देख पाएंगे। सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड के केस में भी वही कहानी, ठीक है। सब में एसआईआर इफेक्ट नहीं काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये वी शेप्ड है और बल्कियर ग्रुप है। तो यहाँ पे हम लोग एसआईआर इफेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं कब, जब यहाँ पे अर्थो पोजिशन पे कोई ग्रुप अटैच हो। तो ये हम लोग आ गया जो ग्रुप है जिसमें कि ये ग्रुप आ गया। हम लोग जब एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइस की बात करेंगे आगे, तो इसके बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है। क्यों ऐसा होता है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में जा रहा था, अब ड्यू टू एसआईआर इफेक्ट डीलोकलाइजेशन में नहीं जाएगा, इजीली अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे कब होगा, जब एन का एन डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा, बल्कियर ग्रुप होगा और वी शेप्ड होगा। देख सकते हो इसमें एसआईआर इफेक्ट काम कर रहा है सबसे ज्यादा। तो मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन द सी। आइए बात करते E2। E2 भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। क्या है E2 में? तो मेंशन किया गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है हमारे सामने, ये है आपका NO2, ठीक है, NO2 Br, ये वी शेप्ड है, वी शेप्ड है और बल्कियर ग्रुप, वी शेप्ड अलोंग विथ बल्कियर ग्रुप, और इसके ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट पे क्या बोला गया, पहला ऑप्शन देखना, ऑल थ्री कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड आर सेम, ऐसा होगा क्या? नहीं। यहां पे देखो आप, रेजोनेंस ज्यादा पॉसिबल है, यहाँ पे रेजोनेंस इनहिबिट किया जाएगा बिकॉज ऑफ द ब्रोमीन। तो यहाँ पे रेजोनेंस जहाँ पे इनहिबिट किया जाएगा, बॉन्ड लेंथ लॉन्गर हो जाएगी। यहाँ पे रेजोनेंस होगा, वहां पे डबल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है। देन देखो आप बी ऑप्शन में C1N NC3, यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है इसको 1 2 3 4 5, तो C1N NC3N, ठीक है, आर सेम बट शॉर्टर देन C5N, ये गलत है। देन क्योंकि ये शॉर्टर होगा। देन देखो आप C1N NC5N लेंथ आर सेम बट लॉन्गर देन C3N, बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज ऑफ SIR इफेक्ट ये NO2 आउट ऑफ प्लेन जाएगा और इसके साथ जो बेंजीन के साथ रेजोनेंस है वो इनहिबिट हो जाएगा। और इनहिबिट होगा तो क्या होता था, जब हम लोग बोलते थे कि ड्यू टू रेजोनेंस क्या होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, यही तो होता था, ये होता था। यहाँ पे केस क्या है कि ये जैसे ही आउट ऑफ प्लेन जाएगा, रेजोनेंस इनहिबिट होगा, रेजोनेंस इनहिबिट हो जाता है तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्गर हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोला ही है कि C1N और C5N दे आर लॉन्गर देन द C3N में ऐसा कोई भी इफेक्ट, ऐसा SIR इफेक्ट नहीं देख रहे। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्लियरली वी कैन गो विद ऑप्शन सी। हम लोग का यही है असाइनमेंट नंबर 6 में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ, दैट विल बी असाइनमेंट नंबर 7, ठीक है। Thank you.